आमतौर पर लोक कलाओं से गुलजार रहने वाले राजस्थान में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते सन्नाटा पसरा है। ऐसे में खाली बैठकर लोक कलाकार आर्थिक मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं, जिसके चलते राजस्थान की लोक विरासत को संभालने वाले कलाकार भी दर दर भटकने को मजबूर हैं। और इसी को लेकर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। आज किसी गम को ना जब तक भुलाएगा, जिंदगी है मौत क्या जान नहीं पाएगा, रोता हुआ आया है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई ला 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 कोरोना वायरस की वजह से लोक कलाकारों की जिंदगी बदल गई है। बहरूपिया, कठपुतली और कई ऐसी लोक कलाएं हैं जो मजमों पर केंद्रित हैं। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के बाद ये सभी कलाकार सहम से गए हैं। आज हम पहुंचे हैं बस्सी विधानसभा क्षेत्र के कानोता कस्बे में। यहाँ कई ऐसे लोक कलाकार हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का झंडा बुलंद किया है। रिया दरिया घूमे मांझी, पेट की आग बुझाने, पेट की आग में जलने वाला किस किस को पहचाने। मशहूर शायर जलीमुद्दीन आली का ये शेर उन हजारों लोगों की दास्तां को बयां करता है जो मरुधरा की लोक विरासत की इबादत करते आए हैं। अपनी विभिन्न लोक कलाओं के लिए मशहूर राजस्थान इन दिनों वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है, जिसका सीधा असर पड़ा है यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के उन हिमायतियों पर जिन्होंने न जाने कितने सालों से मरुधरा की इस अतुल्य विरासत की हिफाजत की है। इन्हीं कलाकारों की फेहरिस्त में एक नाम है दाऊद बहरूपिया का। वो दाऊद बहरूपिया जिन्हें अपनी कला के लिए पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल ने इनाम इकराम की उपाधि दी थी, तो पूर्व उपराष्ट्रपति बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत ने भी उन्हें सम्मानित किया था। सूबे के मुखिया अशोक गहलोत से भी दाऊद विशेष सम्मान से नवाजे गए हैं, लेकिन अब हालात इसके उलट हैं। शायद यही कारण है कि दाऊद ने कोरोना से बिगड़े हालातों की व्यथा इस गाने में बताई है। सुन लो मेरी पुकार, बहरूपिए करे बिनती बारंबार, बहरूपिए करे बिनती बारंबार। हे मोदी जी देश के गौरव, सुन लो मेरी पुकार, बहरूपिए करे बिनती बारंबार। लॉकडाउन में घर बैठे हैं, आदेशों का पालन करते हैं। लॉकडाउन में घर बैठे हैं, आदेशों का पालन करते हैं। मेरे सर प्यारे मोदी जी, मेरे सर प्यारे मोदी जी, कर दो बेड़ा पार, बहरूपिए करे बिनती बारंबार। बहरूपिया कला को बतौर विरासत अपनाने वाले दाऊद के पुरखे रोजी रोटी की जुगत में दौसा के बसवा से कानोता आकर बसे थे, लेकिन घर घर जाकर लोगों की बियाबान जिंदगी को गुलजार करने वाले ये कलाकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से हताश हैं, क्योंकि इस बीमारी ने न सिर्फ उनके हालात बल्कि उनके पेट पर भी लात मार दी है। मेरे आका, वैसे तो यहाँ की आबो हवा मेरे लिए ठीक नहीं, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है मेरे आका कि जिने गुलफाम आज आपके सामने है। ना जाने कितने राजा महाराजाओं के रोल, कितने अफसरों के रोल, एसपी के रोल, पुलिस के रोल, फकीर के रोल, डाकू के रोल, यानी ऐसा कोई भी रोल नहीं है। 52 रोल बनाने की बहरूपी को परमिशन है ना। और
इसमें हम ऐसे ऐसे रोल बनाते हैं कि कई बार तो पब्लिक हमें पहचानना मुश्किल करती है कि ये पागल है या बहरूपिया है। पागल का रोल है तो वो पागल के अंदर पागल ही हम लोग अपनी कला के अंदर इस तरह डूब जाते हैं कि लोग बाग मतलब ना चाहते हुए भी वाहवाही देने से नहीं रुकते हैं। क्या अब जो है ये माहौल ऐसा हो गया है लॉकडाउन का और बैठे हुए हैं फालतू, है ना। अब इसमें मैंने सरकार से भी गुहार लगाई है। अब लोक कलाकारों का ये पूरा परिवार अपनी पुश्तैनी विरासत को कोसने पर मजबूर है। दाऊद लगभग 22 देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। 1000 से ज्यादा कलाकार इनके शागिर्द हैं। दाऊद का कहना है कि इन कलाकारों में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, मगर वो कला को धर्म के नाम पर बांटते नहीं हैं। उनकी कला ही उनका मजहब है, हालांकि वो ताउम्र मुफलिसी में रहे और इस कला की इबादत भी की, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने उनकी सरपरस विरासत को उजाड़ दिया। दाऊद खान जी का मैं लड़का हूँ और उन्हीं से मैंने ये कला सीखी है, भैरूपिया कला। लेकिन आजकल के चलते दौर में बदलते हुए ज़माने के अंदर इस कला का विलुप्त होती जा रही है, ना कोई आदमी इंटरेस्ट लेता है और एक तरीके से ये कला ख़त्म होती जा रही है। कोई मनोरंजन के बहुत सारे साधन चल गए हैं, मोबाइल में आप हर मनोरंजन देख सकते हैं, लेकिन इसके इन जरियों से ये कला बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और मनोरंजन का भैरूपिया का हाल बेहाल हो चुका है। बहरूपिया दाऊद बताते हैं कि भारत में बहुरूप धारण करने की कला बहुत पुरानी है। हिंदू धर्म में भगवान के बहुरूपों का वर्णन है, बावजूद इसके उनकी इस कला को हुकूमतों का सहारा नहीं मिला। ऐसे में ये कला और कलाकार दोनों मुश्किल में हैं। यानी हम राजकुमार थे, राजकुमार हैं और राजकुमार रहेंगे, न गोलियों की बौछार से और न तलवार की धार से, बंदा डरता है तो परवरदिगार से। कौन है वो विश्वासघाती जिसने पिछले 15 साल से अंदर की खबर बाहर पहुंचाई है? नाम है हमारा SS, यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा। खामोश। दाऊद लगभग 50 साल से अपने किरदारों से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं और उनके बेटे सिकंदर पूरे राजस्थान में चार्ली चैपलिन के किरदार के लिए मशहूर हैं। उनकी गिनती उम्दा कलाकारों में होती है, लेकिन कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन ने उनके परिवार को झकझोर दिया है। बड़े मन से इस कला का प्रदर्शन वो करते आए हैं, लेकिन कोरोना से बिगड़े हालातों के कारण उनके बेटों ने इससे हाथ खींच लिया है। लेकिन वही वक्त के आगे हारा सिकंदर भी अब मजदूरी करने के लिए मजबूर है। हालांकि उनका बेटा संजय राजस्थानी कला संस्कृति के जरिए अपनी विरासत को आगे जरूर ले जा रहा है। CM अशोक गहलोत ने लोक कलाकारों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को इस योजना की कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस योजना का ठीक से प्रचार प्रसार हो और मॉनिटरिंग हो, ताकि ये लोक कलाकार इसका फायदा उठा सके और अपनी लोक कला को जिंदा रख सके। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ प्रकाश शर्मा, A1 TV जयपुर।